दोस्तों एक बार की बात है, एक ब्रज गोपी यशोदा माँ से आंगन लीपने के लिए गोबर मांगने आई। उसे आंगन में कन्हैया के अद्भुत दर्शन हुए तो वो दर्शन की लालच में बार बार गोबर मांगने आने लगी। एक बार उसने कन्हैया से गोबर उठवाने के लिए मदद मांगी। तब नन्हे कन्हैया ने कहा, बदले में वो माखन लेंगे, जितनी बार गोबर उठवाएंगे उतनी बार एक कटोरी माखन लेंगे। गोपी ने कहा, हाँ ठीक है ले लेना, लेकिन अनपढ़ गोपी ये सारा हिसाब रखे कैसे। तो ये तय हुआ कि जितनी बार कान्हा गोबर उठवाएंगे उतनी बार गोपी कान्हा को गोबर की बिंदी लगाएगी। ऐसा करते हुए एक समय आया कि नन्हे कन्हैया का पूरा चेहरा गोबर की बिंदियों से भर गया। तब मैया कान्हा का मुंह धुलवाने ले गई। तब कन्हैया ने मुंह धोने से मना करते हुए कहा कि मैया मेरी मक्खन की कटोरियों का हिसाब बिगड़ जाएगा। तब मैया कन्हैया को डांटती हैं और कहती हैं, घर में इतना सारा माखन है फिर भी तुम गोपियों के पीछे क्यों घूमते हो। दरअसल गोपियों की ही इच्छा होती है कि कन्हैया उनके पीछे पीछे घूमे। तो नन्हे कन्हैया गोपियों की इच्छा पूर्ति हेतु अपने चेहरे पर गोबर लगवाने से लेकर गोपी बनकर नृत्य करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जय कन्हैया लाल की।